शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचा। हे हनुमान जी महाराज। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गोरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामीं सहितं नमामि। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। हे प्रभु, सबको सुखी रहो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः। ओम नमः
शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः हर हर महादेव शंभो बलोकलिंग नाथ की जय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः सद्गुरु देव की जय हनुमान जी महाराज की प्यारे भक्तों सभी का स्वागत है परम पावन श्रावण मास में भगवान सदाशिव आशुतोष भगवान का हम सभी प्रेम पूर्वक भक्ति भावना से उनकी आराधना में अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज ये श्रावण मास में शिव महापुराण की महाकथा का 23वां दिन है। आप सभी का स्वागत है श्रोताओं। कल हम कथा सुन रहे थे अत्रि मुनि और अनुसुईया की, जहां पर उन्होंने अपने प्राण आधार भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। और जो अनुसुईया है वह ईर्ष्या का ही रूप है, मैंने कल आपको बताया था इस बात में। और यह भी अनुसुईया अर्थात जिसमें असुईया हो, ईर्ष्या नहीं हो, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आज के जमाने में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं हो। और हमें यदि ऐसा बनना है तो हमको बहुत कष्ट होता है, उठाना पड़ेगा। ऐसा कभी कोई नहीं बन सकता और बनने का प्रयास बहुत कम होता है। और अगर ये गुण आ गया तो अत्रि मुनि और अनुसुईया के जीवन में जिस तरह से परमात्मा और गंगा मैया है ना, वो दिन दूर नहीं कि गंगा क्या लक्ष्मी मैया और सब आ जाए। ये जो हम दूसरों की प्रशंसा सुनकर कष्ट में आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरों को नाम देखकर दुखी हो जाते हैं, वो ईर्ष्या है। और जैसे ही हमारे शत्रु का आया, हम जिससे ईर्ष्या करते हैं उसको दुख आ जाए और वो कष्ट में आ जाए, तो हमको बड़ा आनंद आता है इस बात का कि देखा आज मन बहुत प्रफुल्लित है, उसको कष्ट पड़ा। यह है ईर्ष्या। और इन दोनों का उस दूसरे से ताल्लुक आते हैं, हमारी तरक्की से इस चीज का कोई लेना देना नहीं। न हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमारी तरक्की हमारे धन और वैभव से लेना देना है, न हम उससे खुश हो रहे हैं उसके सामने वाले से दुनिया के दुख से, वो तो मन का विषय है। हमारी तरक्की से उसका कोई लेना देना नहीं। व्यर्थ ही हमारे मन में इस सारे संसार के प्रति ईर्ष्या लेकर हम भारित किए हुए हैं मन को। यह यदि खत्म हो जाए कि मेरा जो कष्ट है वो परमात्मा का दिया हुआ है, मुझे भी फल परमात्मा ही देगा, ये यदि लोग सुखी हैं, नामी है, प्रशंसित हो रहे हैं, तो उन्होंने कर्म किए होंगे, भगवान मैं भी करूंगा, ये भाव आ गया तो भक्ति मार्ग की धारा प्रफुल्लित हो जाएगी। और ऐसे ही अत्रि मुनि जिनके तीनों गुणों से परे, अत्रि जिनमें तीन गुण से परे, ऊपर के गुण न क्रोध आए, अति सात्विक। और ऐसे ही अत्रि मुनि की मां गंगा मैया चली गई थी स्वयं उनकी तपस्या देखने के लिए, महान प्रतिवता नारी के रूप में विख्यात है। और ऐसे गंगा मैया आने के बाद लिंग की पूजा की, इधर गंगा मैया वहां मंदाकिनी प्रकट होकर उछल उछल कर महादेव के, और वहां पर वो भोले बाबा का लिंग बनाकर और ऐसी भावपूर्ण प्रार्थना करते थे कि गणानांता गणपति गो हवा महे, प्रिया नांता प्रियपति गो हवा महे, निधि नांता निधिपति गो हवा महे, वसो मम आ मजाने गर्भदम्मा तो मजासी गर्भदम्मा, गायत्री शिष्टुम जगत नुष्टुम पंक्त्या सह प्रदुष्या कुसुम सूची भी शम्यंदुत्वा, द्विपदाचा चतुपदाहा शिवदाचा चकरपदाहा, विच्छन्दाचा सचछन्दाहा सूची भी शम्यंदुत्वा, सहस्रो महा सहछन्दस और भगवान प्रकट, जय हो, विभोर होकर भगवान प्रकट पार्वती सहित। और वह ऐसे कहा भगवान आप यहीं विराजो, तब से वह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में स्थान पाया गया, अपनी
गुणों के आधार पर मनुष्य भी भगवान को अपने यहां पर स्थापित कर सकता है, ऐसी माया है भक्ति। परंतु बनना पड़ेगा, ईशा भाव से रहित जीवन होना चाहिए, भगवान के प्रति हठ होनी चाहिए, प्रेम वश हठ। भगवान तो कैलाश पर्वत पर विराजे हुए सदैव हमेशा यही सोचते हैं कि कोई भक्त हमको अंतर्मन से याद करे, हठ तो करे कि हम आपके लिए सब कुछ गुण अपने जीवन में धारण करने के लिए तैयार है, प्रकट हो जाए। ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों की मैं आपको कथा सुनाऊंगा आने वाले इस कुछ समय में। और कभी भी जीवन में यदि आपको समय हो तो इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहे, इसी भाव से परमात्मा को प्रकट कर। भक्तों, जिस जैसे कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजे हुए ना, और वहां पर विराजे हुए क्या, शांत भाव में विराजे हुए हैं, सब कुछ शांत है, भूधरा पर सब शांत है। ऐसा भी हमारे जीवन में कई अनमोल समय आते हैं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इतना अच्छा समय चल रहा होता है, परंतु कभी भी हम उस अच्छे समय का सदुपयोग कभी भी नहीं करते। जब सुख आएगा तब हमारा जो दृष्टि होगी वो बहिर्मुखी हो जाएगी, अर्थात सुख आया, धन आया, बैलेंस आया, सब कुछ अच्छा, हम जगत को देखने लगते हैं। और दुख आया तो रोने लगते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं। हे भगवान, भगवान सबसे ज्यादा दुख में याद आ जाते हैं। जैसे सुख आया और हम धीरे धीरे बहिर्मुखी हो जाते हैं, ये जगत की भौतिक संपदा में डूब से चले जाते हैं। पर तो सुख के बाद तो हमेशा दुख भी आता है, प्रकृति का नियम। सुखस्यांतरं दुखस्यांतरं सुखं दद ये तमी जंतुनाम दिन रात्रिवत। रात के बाद दिन आती है, और इसी प्रकार से सुख दुख की माया है जीवन। हमसे जितनी भी घनिष्ठता होती है ना, हमें स्वयं से अपने से उतनी परमात्मा भगवान से होनी चाहिए। तो हम स्वयं में केंद्रित हैं। और यदि हमारी घनिष्ठता का कुछ विभाग होता भी है तो एक परिवार के साथ हो जाता है, किसके वश, समर्पण ही विभाग कर सकता है। पत्नी के प्रति समर्पण, पुत्र पति के सबके समर्पण विभाग कर देता है हमारी घनिष्ठता का। और ये समर्पण मन से होता है, इसलिए हम हमारी घनिष्ठता के साथ हमारे परिवार की घनिष्ठता जोड़ लेते हैं कि ये हमारे खास हैं, इस मेरे पुत्र का कल्याण करना है। और यहां पर जैसे ही थोड़ा सा बुरा समय आया तो भगवान को याद करते हैं, और अच्छा समय आया तो भगवान का मंथन नहीं होता मन में। अच्छा समय के बाद उस अच्छे समय को मेंटेन करने के लिए मन में मंथन चलता है, चिंतन चलता है, इसको और कैसे बढ़ाया जाए, अब ये कैसा होगा। और दुख आएगा तो वही मंथन चलेगा, परंतु वो चिंता का कारण बन जाएगा। अर्थात हमारे मन में मंथन हो रहा है, विचारधाराएं चलती रहती है, तो अच्छे समय तो में चिंतन होता है, और ये चिंता होती है दुख समय में। और यही तो होता है, समुद्र मंथन क्या था, समुद्र मंथन में यही तो था, मंथन कर रहे थे भगवान देवी देवता स्थाई समाधान के लिए। ये संधि काल में होता है हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी भी के भी जीवन में कि दुख ही दुख हो, सुख हो ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुख ही दुख हो, सुख ही नहीं हो। दुख और सुख तो समान मात्रा में पाया जाता है, बस हम क्या करते हैं कि फोकस दुख पर कर लेते हैं तो सुख चला जाता है हमारी दृष्टि से। और जब भी दोनों का अस्तित्व है, दुख अनिवार्य चीज है इस संसार में हमारे जीवन की, परंतु जब दोनों जब हो तब होता है संधि काल। इसमें मनन करना चाहिए परमात्मा का, मंथन करना चाहिए परमात्मा का, स्थाई समाधान ढूंढना चाहिए सत्संग के माध्यम से। और वहां पर भी करते हैं मंथन में, प्रयास पूरा है, इधर देखते हैं इधर देव है, और मंथन करते हैं कुछ न कुछ निकलेगा। क्यों, कि अमृत निकालना है, स्थाई समाधान निकालना है, जोर लगाते हैं वहां पर। और हम भी हमारे मन पर इतना जोर लगाते हैं कि यदि हमारा सुख है तो हमको सुख को बढ़ाने के लिए, यदि दुख है
तो हम क्या कहते हैं, भगवान बस ये दुख हटा दो, ये जब दुख हटा दोगे तो मैं परम सुखी हो जाऊंगा, फिर मेरे जीवन में कुछ नहीं। यहां तक कि भगवान से मांगते हैं लोग, भगवान से के आगे खड़े होकर लोग मांगते हैं कि ये दे दो ये दे दो, और थोड़ा तनिक क्षणिक रुक कर कहते हैं कि यदि मेरा वो शत्रु है उसका थोड़ा बुरा कर दो, बस उसके बाद मैं परम सुखी से महसूस करूंगा। और ये जो बाहर है ना, ये हमारे जीवन में उलझता चला जाता है, हम इसी में उलझे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष में ये मन का मंथन चलता रहता। और यह जो मन का मंथन है वह गुब्बारे की तरह है, इधर से दबाओगे तो उधर निकलेगा, इधर से दबाओगे तो उधर निकलेगा, अर्थ लाभ नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, दो भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, किससे बनाए, कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, रोग हो जाएगा, अच्छा हो रहा है तो रोग हो जाएगा, परस्पर सुखी कहाँ है। और इसके गड़बड़ जाले में धीरे धीरे मनुष्य एक ही काम करता है कि खाता है और फिर सोता है, उसका मन दिमाग काम ही नहीं करता। लेकिन सपने में भी ये गड़बड़ जाला आता रहता है, ये मंथन चलता रहता है, मंथन चलता है। सपने भी उसी के आएंगे। अमृत उत्पादन का जो वो मंथन था वहां चल, अमृत उत्पादन ने नियतम क्रियते, ये जो अमृत है अर्थात स्थाई समाधान, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस स्थाई समाधान के अंतर्गत जैसे अमृत के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले कश्यप अवतार उत्पन्न हुआ था। कश्यपाद अद्भुतम महत, कश्यप अवतार में भगवान ने बताया कि जिस तरीके से मैं सिकोड़ लेता हूं अपने अंगों को, कभी भी मन बहुत हिलने लगे, मंदराचल पर्वत मन है वो हिलने लगे तो अपनी आवश्यकताओं को कम करो, सबसे पहले शांत हो जाओ, मैं तो ऊपर सहारा देने वाला हूं। और किसी भी प्रतिमा में किसी भी इष्ट देव में मन लगा लो। जब भी इस प्रकार से गड़बड़ जाले होते हो, हम भी आज के जमाने में परमात्मा में किसी भी रूप में इष्ट देव के रूप में मना ही रहे हैं, वो शांत हो भी रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, हम सब इसीलिए जिंदा हैं कि हम शांत हैं। और जब शांत भाव से जीते हैं ना, फिर भी हमारे जीवन में वो जो कष्ट होते हैं ना, विश्व रूपी कष्ट, वो सोते सोते भी हमको सपने देते हैं, सो रहा है जगा देता है, चिंता लगा देता है। जैसे ही व्यक्ति उठेगा और वो पुनः चिंताग्रस्त हो जाएगा, उसकी जो वर्तमान की चिंताएं हैं वो धीरे 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 चिंता चिता समान उम्र घट रही है। और समुद्र मंथन में बहुत जोर लगाने के बाद भी भयंकर विष निकल गया। माहौल बड़ा महाल हाला मृदा अग्रे समन विते तस्वी काल काला, इतना भयंकर उस पहाड़ मंदराचल पर्वत का पहाड़, और दोनों ओर दैत्य और देवता, और इतना भयंकर कालकूट का विष निकला वहां पर कि नदियां आ गई विष की जो प्रलयकारी थी, ऐसा लगने लगा था जैसे प्रलय हो जाए, आत्महत्या करते ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं लोगों के। ये जो देखिए आप, भगवान बोले कि संसार में जहां कैलाश पर्वत पर भगवान विराजे हुए हैं, इनके संसार में अमृत उत्पादन के लिए जो कण विष उत्पन्न होने की प्रक्रिया चल रही है, उससे किसी से सही नहीं संभल रही है स्थिति। सारे देवता लोग जाकर कहते हैं, हे भोले बाबा, सब बाहर आ जाओ, देवता लोगों, इस तट पर हम भोले बाबा की प्रतीक्षा करते, उस महान देव की। देव देवम महादेवम भूतात्मा भूत भावन त्राहीन शरणापन्नो त्रिलोक्य दहनाद विशाल, ये तिलों की दह जाएगी, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। चंद्रशेखर 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 माही मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। और हमारे जीवन में कभी भी इतना भयंकर विष आ जाए तो ये सुन, चंद्रशेखर पाही मां, चंद्रशेखर चंद्रशेखर शीर्ष मंदाकिनी भाल चंद्र त्रिलोचन, ऐसे भगवान जो महादेव हैं उनकी आराधना का प्रकल्प रखा है विद्वानों ने, वैज्ञानिक विद्वानों ने,
जीवन में भी कभी आए कष्ट बहुत ज्यादा तो इस स्त्रोत का पाठ करना निकल जाए, त्राही मां मदे। और एक बात मैं आपको बहुत गंभीर बता देता हूं प्यारे भक्त, भोले बाबा का वो स्वरूप शिव पुराण में बता रहा हूं जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है। ये जो महादेव है वो रुद्र अवतार के रूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तो जहां जिस महान देव को पुकारा जा रहा है उसका विराट स्वरूप क्या है बता आपको, उसका विराट स्वरूप ऐसा है कि इतने विशाल हैं कि जिनकी जटाएं खुली हुई है, जो तो सूर्य मंडल की लपटे हैं, जो सूर्य के सारे प्रकाश को अपनी नेत्रों की अग्नि में इकट्ठा कर सकते हैं, जिस संसार का निरीक्षण कर सकते हैं। उस महादेव की कल्पना करके देखिए कि जिस भूधरा के ऊपर उस सत्ययुग से उस जल धारा को विशाल नदी को अपने सिर पर संजोकर, जो यदि सिर पर भगवान नहीं पधराते तो पाताल में चली जाती फाड़कर, इतने महान देव महामाया देव की कल्पना है ये महाभगवान महादेव जटाधार। और यहां विष किस रूप में निकल रहा है, यहां विष नदी के रूप में निकाल रहा है, महान नदी के रूप में जो प्रलय कर रहे, और सदाशिव जो लिंग से उत्पन्न हुए थे जिनके ये तीन रूप बने रुद्र विष्णु भगवान ब्रह्मा, उन्हीं के तो रूप हैं, तीन रूपों में करते उस महान ईश्वर को इस समय याद किया गया था अंतर मन से चंद्रशेखर के रूप, और उनके जो रुद्रावतार थे उनकी समाधि टूट गई। उस त्राही माम चंद्रशेखर तरह वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोले पार्वती मैया को, हे प्रिय, हाँ पति, प्राण प्रिय पति, देखो मुझे ऐसा लगता है कि संसार में जन कल्याण करना पड़ेगा, क्योंकि कालकूट विष उत्पन्न हुआ है प्रलय कर देगा और विष से सारा सब कुछ बह जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा करना चाहिए, हम जगत के माता पिता। आसाम प्राण रिप्सु विद्नेत मय भय ए तन्वाही प्रभो रतो यद दीन पालकम, जिनमें सामर्थ्य उनको इन दीनों का पालन करना चाहिए, पोषण करना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। मुझे माता रानी के मन में कोई संशय नहीं था, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता वो महादेव कर सकते हैं। निष्कम्यम शंभो देव देव जगतपते, माता जी तो हितेशी थी, देवताओं की जन कल्याण के लिए हितेशी, वो मातेश्वरी जगदम्बा स्वयं शक्तिमान हो सकती थी, अर्धनारीश्वर के रूप में आधा भाग था माता का। और उस समय भगवान वहां पर तट पर पहुंचे हैं विशाल शरीर लेकर, उस अग्नि के समान शरीर लेकर, और वहां पर पहुंचकर विराज गए हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं उस नदी रूप को करतली में लेकर। अत करतली कृतम महालाला विशंब भक्ष महादेव कृपया बोलो एकलिंग नाथ की जय। यह भाव है इस कथा का, उस महान देव की कल्पना कीजिए जिसके शरण में हम श्रावण मास में आए हैं, कि हजारों टन विश्व पान भगवान भोले बाबा पान कर रहे हैं दूसरों के लिए, कल्याण के लिए, ताकि मेरे इन सारे जगत को अमृत मिले। मैं विषपात पान कर लेता हूं, पीता हूं च विषम कंठे निरुद भस्म, और कंठ के नीचे नहीं जा रहा है। जच्चकार गले नील कंठम, और वहां पर उनका जो आभूषण है नागराग वासुकी जिससे मंथन हो रहा है, वो दौड़ा चलाया है, भीषण सर्प लपेट आ रहा है महादेव। और जब वहां पर गले में अटक गया ना तो उनका भूषण हो गया नीलकंठ महादेव हो गए। बोलो श्री नीलकंठ महादेव की जय। सब जय जयकार। ऐसी भावपूर्ण भक्ति यदि हम करें ना तो इस संसार के विष को जो पी सकते हैं वो हमारे जीवन के विष को क्यों नहीं पी सकते। प्यारे भक्तों, भक्ति मार्ग में बहुत कष्ट आता है, इतना कष्ट आता है
कि सारे संतों ने अपने जीवन में कष्ट लिया, यहां तक कि भगवान ने अवतार लिया उन्होंने भी बहुत कष्ट लिया। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में गए अंत तक उनको कष्ट मिला, श्री राम ने वनवास लिया अंत तक कष्ट लिया। ये क्या बात है, दुख में क्या घबराना, जीवन का अंग है दुख। और प्यारे व्यक्तों सच बात यह है, हम उन दुखों पर इतना फोकस कर लेते हैं कि हमको आसपास की खुशियां दिखाई नहीं देती। यदि हम फोकस नहीं करके हमारे आसपास की खुशियों को देखने लग जाएंगे ना, तो खुशियां जब इकट्ठी होंगी और भगवान भोले बाबा इतने का साथ होगा तो क्या कहां दुखी रहे हम। अमृत कलश हमारे जीवन में ना आ जाए तो कहना। और ऐसा जब अमृत का पान कर लिया उन्होंने देवताओं ने अंत में, तो इतने घमंडी हो गए देवता कि वहां देवासुर संग्राम हुआ जिसमें सारे देवताओं का नाश कर गया, महान संग्राम हो गया, देवताओं का नाश हो गया। तत्र देवासुरो नाम रणम परम दारुणम, सब स्वाहा हो गया, शांत हो गया सब। भगवान भोले बाबा अंतर्यामी है, वो हमारे पे दृष्टि लगाए हुए हैं। यदि हमारा सारा जीवन का विष भी समाप्त कर दें फिर भी हमारे मन में अहंकार कभी नहीं मिटता है। ये सारी परमात्मा की ही कृपा होती है कि हम सुखी हो जाते हैं। और वहां पर देवता सब कुछ करने के बाद भव विष्णु प्रभवत सर्व सुखमय, परंतु मन में अति गर्विता आने देता, गर्व हो गया था, नाच रहे थे कूद रहे थे उस तट पर कि देखो कितना मजा आ गया, भगा दिया, अब तो हमको कोई मार नहीं सकता, अमृत पान कर लिया है। सच में परमात्मा की कृपा के बाद हमारे मनोस्थिति ऐसी हो जाती है, पैसा आ गया, धन आ गया, अब कौन मार सकता है, अस्पताल में सब कुछ करा लेंगे, ये हो गया और गर्वान्वित है हम। यहां पर शिव पुराण के अंतर्गत भगवान एक अवतार लिया है, यक्षेश्वर अवतार। भगवान वहां तट पर जब उत्साह से उत्सव मना रहे थे ना, तो भोले बाबा एक दीनहीन लकड़ी लेकर पहुंचे हैं वहां पर, दीनहीन बनकर उन देवताओं को पूछ रहे हैं, मुकुटधारी स्वर्ण से लदे हुए देवता नाच रहे हैं, उनको पूछते हैं कि मंथम सच्ची गत्र तथा अद्भुतम ऋणम परम दारण। उन्होंने पूछा ये क्या नाच रहे हो, क्या हो रहा है यहां पर, ऐसा क्या हो रहा। उन्होंने कहा यहां अद्भुत रण हुआ था और हम सब देवताओं ने उनको भगा दिया सभी। भगवान भोले बाबा यक्ष अवतार में कहते हैं गर्वम मेनम कुरुत कर्ता हर्ता परम प्रभु, तुम गर्व मत करो, ये कर्ता हर्ता तो कोई दूसरा ही है, अगर तुम जाओ अभी हमको नाचने दो, जाने दो, अरे ये कौन है, भगाओ, ये कौन है लकड़ी लेकर बाबा आए हैं। वो कहते हाँ हाँ जाता हूं, परंतु देखो बेटो इधर सुनो, ये मेरा एक हाथ से तिनका गिर गया है, मेरे से उठ नीचे झुका नहीं जा रहा है, जरा तिनकों को उठा कर दे दो। हंसते खेलते उन देवताओं ने कहा अरे भाई इनको एक तिनका ये जो गिर गया है इनके काम का दे दो इनको, रवाना। उसे एक देवता ने उसको तिनके को हाथ लगाने चाहिए, छोटा सा तिनका उठा ही नहीं, शिव पुराण की कथा ये यक्षेश्वर की। सारे देवता आ गए, उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से उसको भेद दिया, धरती फाड़ दी, पर वो तिनका उसको काट नहीं सके। उस समय आकाशवाणी हुई कि यक्षो भवती शंकरो देवा, ये यक्ष आए हैं वो भगवान शंकर हैं, और गर्व गर्व हाफ पहारा का है, ये गर्व तुम्हारा मिटाना है। सारे चरणों में गिर गए सारे देवता चरणों में, हे महादेव हाँ मैं ही वही जो स्वरूप में भी प्राप्त करता हूं, तीनों रूप लेकर तुम्हारा कल्याण करता हूं, और जब मैं सुखी कर देता हूं तो तुम गर्भ में आ जाते हो। और ऐसे भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ।
से निराला कोई और नहीं। प्यार भक्तों, और इसीलिए भोले बाबा की तपस्या इतने लोगों ने की और जन कल्याण के लिए भोले बाबा ने नदियां बहा दी। उस परम पुरुष को कहते हैं सदाशिव। और ऐसे ही सदाशिव गंगा मैया को लाने वाले भगीरथ सूर्यवंशी में अवतार लिया था उन्होंने, उनसे सूर्यवंशी चल पड़ा। जो भोले बाबा के सिर के ऊपर की गंगा को कहते थे कि कहां ले जाना है, धरती पर रथ आ गया आगे और धारा है गंगा की, गंगा मैया चल रही पूरी पावन कर रही पूरी संसार को, जल की कमी पूरी कर दी। और उसमें आगे दशरथ जी हुए, महान दशरथ जी, पुत्र ही नहीं था, पुत्र कामष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में अग्निकुंड में से प्रसाद लेकर खुद अग्नि देवता प्रकट हुए, ये प्रसाद है। गुरुदेव जी को पूछा कि गुरुदेव जी वशिष्ठ जी इसका क्या करें। गुरुदेव जी ने कहा कि कौशल्या मैया है तुम उसको दे दो, वो धर्म पत्नी है, सभी काम पत्नियां हैं। ऐसे महान राजा दशरथ जी क्या कहते हैं, मेरी तीन पत्नियां हैं काम, परंतु आधा भाग तो मैं कौशल्या को दे देता हूं और आधा दे देता हूं दोनों को, केकई और सुमित्रा को। केकई मैया कहती मैं इतना कम नहीं लूंगी, राजा तो मेरे अधीन है, मेरे रनिवास में रोज आते हैं, मुझे ज्यादा तो फेंक देती। गुस्से में वो एक चील लेकर चली जाती, शिवलोक से आई थी वह चील, और अपने साथ घूम के ने कैलाश पर्वत के ऊपर घूम रही है वो चील, प्रसाद लेकर यज्ञ से निकला हुआ, पुत्र की कामना करके यज्ञ किया था। यह कैलाश पर्वत पर राम राम करके भगवान समाधि में राम राम करके मुस्कुरा रहे हैं। नंदी और गण कहते हैं हे भोले बाबा समाधि में भीतर राम राम कर रहे हो, आप प्रसन्न हो। पार्वती मैया दौड़ी चली आई, ये कहते कि राम राम करके प्रसन्न हो रहे। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, उन्होंने आंखें खोली, आपका मुख इतना सुंदर दिख रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या प्रभु? भोलेनाथ बोले हैं कि प्रिय मुझे बहुत शुभ संकल्प हुआ है, इतना शुभ संकल्प कि तुम्हें ध्यान होगा कि मैंने विष्णु को कहा था कि बहुत सुंदर सुंदर अवतार लेना, उन्होंने शर्भा अवतार लेकर नरसिंह का गर्व नाश किया, वो अवतार मुझे पसंद नहीं था, मुझे उस अवतार अच्छा नहीं लगा। अब विष्णु भगवान अब राम के रूप में अवतरित होने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ जाऊं लीला का, क्योंकि सारे इष्ट देव देवता लोग देव समाज वहां पर वानर बनकर उनकी सेवा करेगा मेरे मन में है। पार्वती मैया की आंखों में आंसू आ गए अपने पति के वियोग को सुनकर, उन्होंने कहा कि हे प्रिय प्राणनाथ आप चले जाओगे मैं कैसे रहूंगी। भोले बाबा ने कहा था क्यों, एक रूप में श्री राम बनकर भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में रहेंगे, मैं तो ये अवतार ग्रहण करके उनके साथ जाऊंगा, परंतु मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगा। माता ने सोचा कि हट करने लगी कि भोले बाबा मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय कि देखो मैंने इस रुद्रावतार में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, परंतु तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया, फिर भी मैंने इस ग्रस्त जीवन को संभाला है बहुत ही सुंदर तरीके से, गणेश और हमारे कार्तिकेय पुत्र हुए, फिर भी मैं वैरागी हूं, परंतु मैं अब ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने जाना वाला। माता कहती कि नहीं नहीं प्रभु, मैं ब्रह्मचर्य का कभी भंग नहीं करूंगी, यदि ये अवतार लेना ना आगे आपके ब्रह्मचर्य की शिक्षा अवश्य देना, श्री राम की सेवा करना और स्वरूप की ओर एक साथ मिलकर पृथ्वी का पालन करना। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि अब मैं क्या रूप लूं जो इसको ले भी जाऊं और भिन्न भी हो और अभिन्न नहीं। उनके मन में एक बात याद आई कि एक बार नारद जी किसी स्वयंवर में गए थे, उसकी कन्या पर इतने मोहित हो गए थे कि नारद जी ने जाकर वैकुंठ में भगवान विष्णु को कहा कि हे हरि मुझे वो स्त्री कन्या बहुत पसंद आ गई है, मेरा हरि रूप कर दो, हरि रूप कर दो। वहां पर स्वयंवर में जाकर नारद जी बैठे तो सभी हंसने लगे, कन्या ने उनको छोड़ दिया, दूसरे से के गले में माला पहना दी, और सभी हंसने लगे। जाकर कांच में देखा तो उनका वानर जैसा मुख नारद जी का,
उनको बहुत क्रोध आया। भगवान विष्णु को कहा कि भगवान विष्णु आपने ऐसा क्या कर दिया, मुझे वानर बना दिया, मैंने तो हरि रूप मांगा था। भगवान विष्णु कहते हैं अरे हरि का अर्थ वानर भी होता है, तुम मुझे कहते तुम मेरा रूप मांगते, मैं सुंदर बना देता। तब नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु यदि आपने कभी अवतार लिया तो आपको वानरों का साथ लेना पड़ेगा। भगवान महादेव आज हंसने लगे जोर जोर से। पार्वती मैया कहती क्यों हंस रहे हो, वो कहते हैं कि प्रिय तुम भी मेरे साथ चलो, इसका एक बहुत समाधान मिल गया है कि मैं वानर रूप में जाऊं तो उसकी जो पूंछ है वो तुम बन सकती हो। और देखो कैसी लीला है कि मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए इसमें वानर बनकर जाना पड़ेगा। पर्वतों को कहते हैं कि उस समय पुनः समाधि में चले गए। समाधि में भगवान जाने के बाद उन्होंने वहां पर धीरे धीरे उस चील को आदेश किया कि तुम केसरी महाराज की पत्नी अंजनी वहां पर तपस्या कर रही है, महादेव की बेरी। वो इसलिए तपस्या कर रही थी कि भगवान ने मोहिनी अवतार में जो समुद्र मंथन के समय ऋषियों ने प्रार्थना की थी कि कुछ अंश हमको प्रदान कर दो, भोले बाबा ने अंश प्रकट किया था मोहिनी अवतार समुद्र मंथन में, वो ऋषि लोग संरक्षित किए हुए थे। भोले बाबा ने समाधि में पवन देव को कहा कि तुम जाकर अंजनी मैया के शरीर में मेरा अंश प्रकट करो। अंजनी मैया छत पर, राजमहल की छत पर घूम रही थी, उससे उनको ऐसा आभास हुआ पवन देव पास से जल के कि कौन आया है मेरे पतिव्रत अदृश्य होकर भंग करता है। प्रकट होकर पवन देव ने कहा कि मैं भोले बाबा की आज्ञा से आया हूं, आपका पतिव्रत कहीं भंग नहीं हुआ है और आपके ऐसा महान पुत्र होगा जगत में कल्याण करेगा, भोलेनाथ की आराधना करो। और भगवान भोलेनाथ ने शिवलोक से आई हुई चील को आज्ञा दी कि जो प्रसाद है वह वहां जाकर उसकी गोदी में डाल दो। अंजनी मैया वहां पर तपस्या कर रही थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गोदी में जैसे ही प्रसाद गिरा है ऊपर से देखा है तो पुष्प की वर्षा हो रही है, भोले बाबा का प्रसाद खाकर आ गई है और घर चली गई है और गर्भवती हो गई है। कैलाश पति परमात्मा भगवान स्थापित किया है अपना एक अंश उसमें और धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा है। और यहां पर इधर पुनः कैकेयी कहती है कि मुझे और चाहिए प्रसाद। कौशल्या ममता मई मैया ने कहा कि नहीं नहीं बेटी, मेरी तो बहन है, तू मेरा भी ले ले। सुमित्रा कहती तू मेरा डबल हो गया। उसके बाद इतना ज्यादा प्रसाद हो गया कि भरत और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए और तीनों रानियां गर्भवती हो गई। आज राजमहल में तीनों रानियां गर्भवती, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, और दूर दूर से लोग संत लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, न जाने कब कहां से चले थे ऐसे दिव्य लोग। भगवान श्री राम का अंश आया है, सभी अयोध्या नगरवासी प्रसन्न हो रहे हैं, न जाने संत लोग आ रहे हैं दूर दूर से भगवान के प्राकट्य के लिए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम। सारे देवता आकाश में आ गए हैं भगवान श्री राम और स्तुति कर रहे हैं वहां पर आकर गर्भ की। अतस्त्वं पादवत्तेषु तव भक्ति श्रियो अधिकाः भक्ति में वापि गच्छन्ति तुम भक्तान। और भोले बाबा क्यों छोड़ते, भोले बाबा अपना बहुत सुंदर स्वरूप बनाकर ज्योतिषी बनकर अपने साथ दो गणों को लेकर डमरू बनाकर वहां अयोध्या के सरयू किनारे अयोध्या की नगरी में डमरू बजा रहे। आज अयोध्या की नगरी में, आज अयोध्या की नगरी में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की नगरी में झूमे जोगी मतवाला। अलक निरंजन कह के पुकारे, अलक निरंजन कह के पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की नगरी में झूमे जोगी देवता प्रसन्न है। आज भगवान श्री महादेव राम के दर्शन के लिए आए हैं, एक और उनका अंश केसरी के गर्भ में है। जय हो। और
धीरे धीरे चैत्र मास पास आ रहा है। जय हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई है और दिन के 12 बजे भगवान श्री राम का प्राकट हो गया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। और भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए और थोड़े से समय के बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त हुआ जब चैत्र शुक्ला पूर्णिमा मंगलवार का दिन आया और भगवान श्री महादेव प्रभु सदाशिव केसरी महाराज के घर में अंजनी मैया के गर्भ से हनुमान भगवान बनकर प्रकट हुए। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे परमात्मा भगवान जो सर्व कल्याण के लिए व्याप्त हो अंतर मन से उनका स्वागत करके अपने हृदय में पधराइए मेरे गुरु जी को। और एक बार अंतर मन से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आनंद मंगल हो जाएगा सभी का। जय हनुमान ज्ञान गुणी सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बलि धामा अंजनी पुत्री पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज अर गजा विराज कांधे मूज जनेऊ साजी शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेजी प्रताप जहां जगवंदन राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन ओ मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन जीत बिहार नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।